हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने थंबनेल की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि गाइस मानो या ना मानो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियोस की ग्रोथ में, या फिर कह लो आपके चैनल की ग्रोथ में। क्योंकि गाइस, अगर आपकी थंबनेल अच्छी नहीं होगी ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 में से एक भी बंदा आपकी वीडियोस को ओपन नहीं करेगा। तो गाइस, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, एंड वो सब्सक्राइब वाले बटन को भी प्रेस कर दो यार, वो एकदम फ्री है, आप लोग प्रेस ही करते तो कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा हमें, ठीक है। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज गाइस, आज के हम अपनी फीचर चैनल को भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो पीएन डाकू है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि अगर आप पिक्सेल ऐप में थंबनेल एडिट करते हो, या फिर आप पिक्सेट में थंबनेल एडिट करते हो, या फिर पीएस टच में आप थंबनेल एडिट करते हो, सबसे मेन रोल है ना वो रेशियो का है। आप रेशियो कौन सा चूज़ करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि आप थंबनेल वाली रेशियो चूज़ करते होंगे, लेकिन मैं आपको जो साइज़ बता रहा हूँ ना, वो साइज़ पे हमेशा आप थंबनेल बनाया करो, 90:20 by 10:80। बहुत लोग क्या करते हैं कि 720 और 1080 वाले थंबनेल रेशियो पे अपने थंबनेल को बनाते हैं, लेकिन जब वो आप अपलोड करेंगे ना, तो वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच के कारण वो फट जाता है आपकी थंबनेल, ठीक है। तो 90:20 by 1080 पे आप बनाना। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि पिक्सेल ऐप में देख लो किधर से आप चेंज कर सकते हो, एंड पिक्सआर्ट में भी आप लोग को पता होगा, एंड पीएस टच में तो सबसे पहले वही डालना होता है, तो बंदे को तो पता होगा। लेकिन वो 720:1080 वाला आप छोड़ दिया करो, 90:20 by 1080 पे आप थंबनेल को अपना एडिट करो, ठीक है। तो गाइस, मैं सेकंड स्टेप आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत लोग नहीं करते हो यार, और बेकार सी थंबनेल आप लोग अपलोड करते हो, कि जब भी आप अपने थंबनेल को क्रिएट करो ना, तो लाइटरूम में रीटच जरूर करो, ठीक है। तो देख लो, मैं अपने थंबनेल को यहाँ पे लाइटरूम में यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। ये फ्री एप्लीकेशन है, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे भी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट पहले से पड़े हुए रहते हैं, तो उनमें से ट्राई करना, आपके थंबनेल पे अगर अच्छा लुक आ जाए तो ठीक है, वरना आप लोग खुद से यहाँ पे रीटचिंग वगैरह कर सकते हो, लाइक एक्सपोजर वगैरह इसकी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने थंबनेल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा आप हल्का सा इंक्रीज करना, ताकि जो इसमें कलर होगा ना, वो थोड़ा सा उभर के आएगा। याद रहे, सैचुरेशन को मत इंक्रीज करना, सैचुरेशन से इंक्रीज करने से ना पूरा पीला पीला टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो वो आप नहीं करना। एंड ऊपर साइड में आपको कलर वगैरह आपका चूज़ कर लेना है, जैसे ये ग्रीन टाइप की थंबनेल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन की जो ह्यू होगी ना, मैं इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि वो जो लाइट इफेक्ट आती है ना, वो कमाल की लगती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको भी चूज़ करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे गाइस आती है, इस वाले ऑप्शन पे आना, टेक्सचर पे जाना, ठीक है। देखो, यहाँ पे टेक्सचर जब आपकी लो करते हो ना इसकी, तो यहाँ पे इसकी जो थंबनेल है ना, वो ब्लर हो जाती है, तो आपको हमेशा टेक्सचर को राइट साइड में इंक्रीज़ करना है। एंड क्लियरिटी को आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, इसे भी आप डिक्रीज़ नहीं करना। देखो, जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे, आपकी थंबनेल की क्वालिटी में क्लियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एंड डीहेज वगैरह, विग्नेट वगैरह आप नहीं करना, विग्नेट को थोड़ा सा आप माइनस कर सकते हो, ताकि जो बॉर्डर लाइन पे आपकी ब्लैक है ना, वो आपकी आ जाए। बाकी आप छोड़ देना यार, बाकी इतना काफ़ी है, इतना थंबनेल में काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे अब आपको सेव में यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे यार शेयर वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, नीचे जाना, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फाइल टाइप को आप जेपीजी में सेलेक्ट करना, ठीक है, अगर किसी और में रहा तो, वरना आप जेपीजी में है तो छोड़ देना। डायमेंशन गाइस, ये डायमेंशन आप देख लेना कि आपका जो लार्जेस्ट अवेलेबल डायमेंशन होगा ना, उस पर आपकी रहनी चाहिए। एंड क्वालिटी 100, ठीक है। एंड इंक्लूड वाटरमार्क ऑफ रखना, और इसे सेव कर लेना, ठीक है। तो अब जो आपकी क्वालिटी सेव होगी ना थंबनेल की, वो एक नंबर की होगी, एकदम देखना मैक्स क्वालिटी में, एकदम अच्छा क्वालिटी में आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी। सो आई होप गाइस कि आपने एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से देखा होगा। एंड अगर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड पीएस टच वगैरह आपको चाहिए होगा, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो जाके आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।